हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये पंखा मैं ज़रा सारा स्लो कर लूँ, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाती है, फिर आवाज़ अच्छी आती नहीं है। तो आप सब लोग कैसे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए अपनी समर स्किन रूटीन शेयर करूँगी कि मैं वीक में 2 से 3 बार कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ जिससे मेरी स्किन फ्रेश रहती है। तो अभी तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पहले कपड़े चेंज कर लूँ नहा के, तो उससे पहले मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी मैंने अपना ये जो प्रेस किया था, तो आई थॉट कि मैं ये सूट पहनूँ अपना। ये देखें, खुला सा सिलवाया हुआ, वो सिलवाया नहीं है, स्टिच नहीं करवाया, ये खाड़ी से लिया हुआ रेडीमेड ही ड्रेस है, रेडी टू वेयर ड्रेस है ये। और इसको मैंने पहना है, इसके साथ ये वाला ट्राउज़र है और साथ इसके दुपट्टा है, वो मैंने प्रेस करने के लिए बाहर रखा हुआ है, वो मैंने प्रेस नहीं किया अभी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा है और गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छा है। लाइक इसका ये प्रिंटेड है सारा, ये प्रिंट है ऑरेंज कलर का, इस पर कोई लेस नहीं, कोई कुछ नहीं लगाया हुआ इन्होंने, ये सिर्फ बटन्स हैं जो इन्होंने लगाया हुआ, बाकी स्लीव्स भी उसकी ये हैं, सही हैं बिल्कुल, लाइक प्रिंटेड है। तो ऐसे जिस पर कोई लैस नहीं लगी हुई है, जो रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कुछ पे लगी होती हैं कुछ पे नहीं लगी होती, लेकिन गर्मियों में मुझसे इससे ज़्यादा पतला मतलब कोई भी हैवी ड्रेस नहीं पहना था, लाइक कोई लैस लगी हो या कुछ भी लगाओ मोती सितारे, मुझसे गर्मियों में सिर्फ सिंपल ड्रेस पहने जाते हैं, लाइक इस तरह की प्रिंटेड शर्ट्स हों और सिंपल हों, लाइक बिल्कुल सिंपल, लाइक बटन्स लग जाएँ इस तरह के, अगर आगे ये बना हुआ बटन्स लग जाएँ या घेरे पर थोड़ी सी लैस लग जाए, वरना मुझे हैवी ड्रेसेस मुझसे गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पहने जाते सिवाय लॉन के कपड़ों के, कॉटन के भी नहीं पहने जाते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ कॉटन के लॉन के लेती हूँ, कॉटन के भी नहीं लेती मैं। तो चलें सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले मैं अपना फ़ेस वॉश करती हूँ अच्छे से, फ़ेस वॉश के साथ उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं वॉशरूम में आ गई हूँ, वॉशरूम में ही सारी मेरी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं फ़ेस वॉश किससे करूँगी, कौन सा अच्छा। ये देखें, ये B&B का ये जो ब्राइटनिंग क्राइस फेस वॉश है, ये बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जब आप इसके साथ अपना फ़ेस वॉश करते हैं, आपका जो फेस है उसके ऊपर ग्लो नेचुरली आ जाता है और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये जो, लाइक इसका ब्रांड आजकल बहुत इन है, तो काफ़ी लोग लेते हैं, लेकिन इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो अगर इसके रिज़ल्ट अच्छे ना होते तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ना बताती। तो चलें इसके साथ अब अपना फ़ेस वॉश करती हूँ, देन मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि इसके बाद हम थोड़ी सी स्क्रबिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम मास्क लगाएंगे, इसी का मतलब B&B का ही मास्क लगाएंगे। चलें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग फ़ेस वॉश करेंगे इधर रख के, ओके अब इसका पानी चलाते हैं और इसका फेस वॉश करते हैं। इसका मैं बिल्कुल थोड़ा सा लूँगी, फ्यू अमाउंट, क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको बस अपने फेस पर आपने अप्लाई करना है और इसको अच्छे से आपने फेस वॉश कर लेना है इस पर। ये इतना अच्छा है ना कि आप लोग यूज़ करेंगे, आप लोगों को खुद फ़र्क महसूस होगा, लाइक ये बहुत अच्छे, और इसकी जो खुशबू है ये वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, उसकी खुशबू मुझे कितनी पसंद है। बेसिकली ये चावलों का बनाया हुआ, उन्होंने बनाया हुआ चावलों का, और वैसे जो राइस होते हैं वो वैसे भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एंटी एजिंग होते हैं, जो रिंकल्स होते हैं, जो फ्रैकल्स होते हैं और पिगमेंटेशन होती है वो चावलों से बहुत जल्दी चली जाती है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चलें जी, मैंने फ़ेस वॉश कर लिया, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फ़ेस वॉश कर लिया मैंने, मैं हैंड्स अपने खुश कर लूँ वरना मोबाइल सारा गीला हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने अपना फ़ेस वॉश कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर स्क्रबिंग करूँगी। स्क्रबिंग के लिए ये B&B का यूज़ करूँगी। ये देखें, B&B का ब्राइटनिंग ड्राई स्क्रब ऑर्गेनिक सोर्स, मतलब इसका स्क्रब भी बहुत अच्छा है। मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। ये देखें,
बहुत अच्छा है ये। इसको आपने थोड़ी सी अमाउंट में लिया, लाइक जितना आपके स्किन पर लग जाए उतना आपने लेना है। तो इसको अब मैं अपने फेस पर लगाऊंगी, उसके बाद फेस पैक लगाऊंगी और देन मेरी स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो गई। लाइक गर्मियों में आप अगर आप ये डेली बेसिस पे भी करते हैं ना, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक बना हुआ है और ऑर्गेनिक चीज़ें आपकी स्किन को हार्म नहीं करती हैं, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो ये देखिए अब मैं स्क्रबिंग करती हूँ, स्क्रबिंग करके तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मास्क मैं किस तरह बनाऊँगी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालूँगी। चलिए मिलते हैं, मैं ज़रा स्क्रबिंग। ये देखिए मैंने अपने फेस पर स्क्रबिंग कर ली और देखें कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। अब मैं इसको टॉवल के साथ अच्छे से साफ़ कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मास्क लगाना दिखाती हूँ, लाइक उसमें क्या चीज़ मिक्स करती हूँ तो मैं वो कैसे लगाऊँगी। वो मास्क भी एक्चुअली मेरे ना वॉशरूम में ही पड़ा हुआ है तो वो मैं निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये पड़ा हुआ है, ये देखें ये बहुत अच्छा राइज मास्क है, ब्राइटनिंग पाउडर ऑर्गेनिक मास्क। इसको मैं अब आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, अब मैंने इसमें ये 2 टेबलस्पून वो पाउडर ले लिया है राइस का और इसमें अब मैं अड़के गुलाब शामिल करूँगी। आप अड़के गुलाब कोई सा भी डाल सकते हैं क्योंकि सारी कंपनीज के एटेस से होते हैं। लाइक अगर आपने इसमें अड़के गुलाब डालना है वो भी डाल सकते हैं, आपने इसमें हनी डालना है वो भी डाल सकते हैं, आपने इसमें दूध डालना है वो भी डाल सकते हैं। मतलब आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या चीज़ डालेंगे। तो मैंने अड़के गुलाब प्रेफर कर रही हूँ तो मैं अड़के गुलाब डालूंगी। उस उतनी अमाउंट में डालना है कि आपका ये अच्छा सा थिक पेस्ट बन जाए, आपने थिन पेस्ट नहीं बनाना। तो मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ, ये मुझसे ज़्यादा ना डल जाए क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से मैं इसको मिक्स करूँगी तो मुझसे मिक्स नहीं होगा सही। तो चलिए मैं आपको मिक्स करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया, आपने भी इसी तरह का तैयार करना है। आप कोई भी मास्क लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने मेरे वाली चीज़ें लगानी है। आप जो ओरिजिनल आपका राइस फ्लोर होता है वो भी आप मिक्स करके उसमें आप किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। लाइक आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर सकते हैं और टर्मेरिक, और बस उसको आपने मिक्स किया और आपने अपने फेस पर फेस पैक लगा लिया तो वो भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। लाइक गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा होता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल था तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब आपके अपने फेस पर लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा फेस पर लगा के। ये फेस पैक बहुत अच्छा है, इससे आपके जो पोर्स होते हैं वो डर्ट होती है वो भी सारे इसको ख़त्म कर देता है डर्ट को, और आपके पोर्स को क्लीन कर देता है, आपके पोर्स को श्रिंक कर देता है और आपके वो जो क्या होते हैं रिंकल्स उनको ख़त्म करता है, आपके फेस पर ग्लो लाता है। तो ये बहुत अच्छा मास्क है। तो अगर जो पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं वो भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, और अगर जो बाहर से देख रहे हैं कोई और कंपनी कोई और कंट्री से तो वो कोई लाइक ओरिजिनल घर में भी बना सकते हैं फेस पैक। लाइक आप राइस फ्लोर लें, उसमें आप थोड़ा सा बेसन डालें, आप उसमें थोड़ा सा हल्दी डालें, थोड़ा सा आप उसमें लेमन निचोड़ लें और उसमें आप थोड़ा सा हनी मिक्स कर लें तो ये भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलें मैं इसको लगाती हूँ और फिर मैं आपको वॉश करके नहा के कपड़े चेंज करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। तो चलें बाकी का काम करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ।